भाई और बहनों, बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट, इसका विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन भर एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है, कम कीमत से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही हैं। और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। एयर और रेल रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी, वो भी आज आधुनिक हो रही है। यूपी 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। हाल ही में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकार्पण यूपी में ही किया गया है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।